नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका स्वागत अभिनंदन। आज हमारा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का यूं तो 13वां सत्र है, लेकिन हमारी प्रश्नमाला, जो प्रश्नों का गुलदस्ता हमने पिछले सत्र से शुरू किया था, उसका आज ही हमारा दूसरा सत्र है। और आज हम उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो नेट जेआरएफ में आए हैं और जो उस पिछले सत्र में पूरे नहीं हो पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न यूजीसी नेट जून 2010 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। दोस्तों आपको याद होगा जब हमने विश्व के भाषा परिवारों पर बात की थी, जिसमें हमने प्रमुख रूप से बताया था कि एक भाषा परिवार होता है भारोपीय भाषा परिवार, जो विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और दूसरा परिवार था द्रविड़ भाषा परिवार। तो उस द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा के विषय में यहाँ पूछा गया है। और हमने ये भी उस वक्त पढ़ा था कि कौन कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस हैं उड़िया, बंगला, असमिया और कन्नड़। तो आपको याद होगा उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़, ये सब भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये बिहारी, बंगला, उड़िया आदि जो भाषाएं मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी वे भाषाएं हैं ये तीनों। कन्नड़ दक्षिण भारत की भाषा है। और दोस्तों आप हमेशा के लिए ये बात अपनी स्मृति में बिठा लीजिए कि जितनी भी भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं वे सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर हुआ डी, यानी कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। शेष तीनों भाषाएं ए, बी, सी, यानी उड़िया, बंगला और असमिया, तीनों भाषाएं मागधी अपभ्रंश से विकसित हैं और भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई। दूसरा प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में पूछा गया, ये तो आपको अब तक रट जाना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूं कि मैं बोलूंगी उससे पहले आपके जहन में इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शंस देखिए, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची अपभ्रंश, ये सभी अपभ्रंश के रूप हैं, आप पहचान गए होंगे। तो शौरसेनी अपभ्रंश इसका सही उत्तर है। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की बोली है और पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। मागधी से विकसित भाषाओं पर अभी हमने चर्चा की, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया मागधी अपभ्रंश से हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं आती हैं, और पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषाएं विकसित हुई थी, ये जिक्र भी पहले आ चुका है। तो आपको अगर ये सभी भाषाएं याद हैं कि किस किस से इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई, तो आप इस तरह के प्रश्नों में कभी गलती नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में आया है। रामचंद्र शुक्ल ए ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी बी, शिव सिंह सेंगर सी ऑप्शन और राहुल सांकृत्यायन डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, विद्यार्थियों को थोड़ा परेशान करने के लिए ये प्रश्न दिया गया है। वैसे तो ये बात बिल्कुल सच है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा था। गुलेरी जी कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी बात हमने आपसे कही थी, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका में गुलेरी जी का एक लेख पुरानी हिंदी प्रकाशित हुआ था और उसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि साहित्यिक अपभ्रंश यानी परिनिष्ठित अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। और इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन से हैं। तो आप हर स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर गुलेरी जी रखेंगे, लेकिन अब समस्या क्या है कि गुलेरी जी का तो ऑप्शंस में नाम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि गुलेरी जी के इस मत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन से हैं। और दोस्तों गुलेरी जी के इस मत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी,
उन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नामक अपनी पुस्तक में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। यानी इस तरह के प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष उत्तर कुछ और होता है और वो ऑप्शन यहाँ दिया ही नहीं जाता, और अप्रत्यक्ष उत्तर से हमें बात करनी होती है, यानी उसी को हमें चुनना पड़ता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब एक बात और मैं यहां इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूं कि अगर यहां गुलेरी जी का नाम है तो, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, दोनों विद्वानों के नाम अगर ऑप्शंस में हैं तो आप गुलेरी जी का नाम ही चुनेंगे, क्योंकि इस मत के सबसे पहले प्रस्तुतकर्ता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और अगर उनका नाम नहीं है तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प को चुनेंगे। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? बहुत ही सरल प्रश्न, यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में पूछा गया। ऑप्शंस है हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य और मैथिली साहित्य। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, सरल सा सवाल है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थानी का जो साहित्य है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ये भी थोड़ा ट्रिकी सवाल है। काशिका आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, काशिका में कौन सा शब्द आ रहा है? काशी। अब क्या काशी यहां है? काशी शब्द यहां ऑप्शंस में नहीं है, और मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि वाराणसी, काशी और बनारस एक ही स्थान के नाम है, तो बनारस यहां है। यानी बनारस का नाम क्योंकि काशी है इसलिए वहां की भाषा को, उस क्षेत्र की भाषा को काशिका कहा गया, इसलिए सी विकल्प इसका सही उत्तर है। केवल रटने से दोस्तों काम नहीं चलेगा, हमें न केवल अपने ज्ञान की गहराई बढ़ानी है, नॉलेज को बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, छठा प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौर सैनी अपभ्रंश और प्राकृत। अब देखिए सवाल बहुत कम ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनका प्रत्यक्ष उत्तर बिल्कुल सीधा सीधा आप दे दें। एक राजस्थानी डिंगल भाषा का जो प्रश्न था वो बिल्कुल सरल और सीधा प्रश्न था, बाकी अभी तक ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं, और ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट जून 2011 में। तो अब देखिए यूं तो देखा जाए तो हमने जब हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर बात की थी तो हमने देखा था कि वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत विकसित हुई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर हिंदी का नंबर आता है। और अवहट और उत्तर अपभ्रंश एक ही बात है, कुछ लोग बाद के अपभ्रंश के रूप को अवहट कहते हैं, बाकी ज्यादातर विद्वान अपभ्रंश को अपभ्रंश ही कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी विकल्प सही हैं, लेकिन निकटतम विकल्प कौन सा है? सब प्रत्यक्ष रूप से हिंदी किससे विकसित हुई? तो अपभ्रंश के शौर सैनी रूप से विकसित हुई। हमने अभी पढ़ा था कि पश्चिमी हिंदी का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमें सी विकल्प को सही मानना होगा, जबकि पूरी तरह से गलत तो अन्य तीनों विकल्प भी नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे सही विकल्प कौन सा है उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? देखिए अभी हमने एक प्रश्न इस तरीके का पढ़ा था, अब वहां पूछा गया था द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, और यहां पूछा गया है कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। उम्मीद करती हूं कि उस वक्त इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढ लेंगे। यूजीसी नेट जून 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है, और ए ऑप्शन है मराठी, बी है गुजराती, सी है मलयालम और डी है हिंदी। तो देखिए मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई, अपभ्रंश का रूप है यानी भारोपीय परिवार की भाषा है। गुजराती भी अपभ्रंश के रूप से विकसित हुई, तो ये भी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भी अपभ्रंश के रूप से विकसित हुई, तो ये भी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो ऐसी स्थिति में मलयालम आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की भाषा है, तो जिस तरीके से कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है उसी तरह मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी
विकल्प हुआ, क्योंकि यहां पूछा गया है कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो इस बात पर नहीं पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि शेष तीनों भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। आठवां प्रश्न, संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। यूजीसी नेट दिसंबर 2011 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया, और ऑप्शंस हैं बोडो, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी। पिछले सत्र में भी दोस्तों इस तरह का एक सवाल आया था, और उस वक्त हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी। तो आपको ध्यान होगा कि जब हमने संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाओं पर बात की थी, उन 22 भाषाओं के नाम सब पढ़े थे, तब हमने देखा था कि बोडो, मैथिली और डोगरी, ये तीनों भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है। केवल और केवल भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मैंने पिछले सत्र में भी आपको बताया था कि इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प यहाँ सही है, क्योंकि इन चारों भाषाओं में से केवल भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नवा प्रश्न, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया। ये बात आपको बहुत सोच समझकर इसके जवाब तक पहुंचना है। देखिए, यूजीसी नेट जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके विकल्प हैं ए जनपदीय हिंदुस्तानी, बी वर्नेक्यूलर हिंदुस्तानी, सी कौरवी और डी रेखता। तो देखिए, रेखता तो हिंदी का वो रूप है, हिंदुस्तानी का वो रूप है जिसमें उर्दू के शब्दों की प्रधानता थी, और रेखता एक उर्दू की शैली भी मानी जाती है। कौरवी शब्द, खड़ी बोली की बात हो रही है, तो कौरवी शब्द राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि खड़ी बोली कुरु जनपद में बोली जाने वाली भाषा थी। यानी ये दोनों विकल्प तो सही नहीं है। वर्नेक्युलर हिंदुस्तानी पर पिछले सत्र में हमने एक प्रश्न में चर्चा की थी, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नेक्युलर हिंदुस्तानी शब्द खड़ी बोली के लिए इस्तेमाल किया। यानी अब बचता है एक विकल्प जनपदीय हिंदुस्तानी, और यही शब्द सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए इस्तेमाल किया है। तो आपको ये तीनों विकल्प ध्यान में रखने हैं कि किसने खड़ी बोली के लिए कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, तभी आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे पाएंगे। दसवां प्रश्न, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। देखिए, अगर आप हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के क्रम को अच्छी तरह से कंठस्थ नहीं करेंगे, उसे समझेंगे नहीं, तो आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस विषय को, इस टॉपिक को बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस विषय से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं, पहली बात तो ये कि यूजीसी नेट जून 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। इसके ऑप्शंस हैं प्राकृत, अभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाएं और हिंदी। अब पूछा क्या गया है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। तो इनमें से देखिए, हम अगर क्रम को याद करें तो वैदिक संस्कृत से विकसित हुई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से विकसित हुई पाली, और पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। तो लौकिक संस्कृत का नाम तो यहाँ है नहीं। अगर लौकिक संस्कृत यहाँ नाम होता तो हम उसी विकल्प को चुनते, लेकिन उसके बाद अगला नाम क्या आ रहा है, पाली भी यहाँ नहीं है, तो क्या आ रहा है, प्राकृत आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में विकल्प कौन सा सही होगा, प्राकृत, क्योंकि पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, उसके बाद द्वितीय प्राकृत जो प्राकृत है वह, और अभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत कहकर भी पुकारते हैं। यानी प्राकृत ही वो भाषा है जो संस्कृत से प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे रूप में संबंधित है। तो ये इसका सही उत्तर हुआ, अभ्रंश प्राकृत के बाद विकसित हुई, तो सीधा संबंध संस्कृत का हो नहीं सकता, और अभ्रंश के भी बाद विकसित हुई हिंदी तो संस्कृत से सीधे रूप से संबंधित ये भी नहीं है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भी अलग अलग अपभ्रंशों से विकसित हुई, तो ये भी सीधे संस्कृत से विकसित भाषा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। ग्यारहवें प्रश्न पर बात करते हैं, जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है।
क्या शब्द हमें ध्यान में रखना है। देखिए हर प्रश्न में बच्चों एक कीवर्ड होता है, एक मूल प्रमुख शब्द होता है जिस पर पूरा का पूरा प्रश्न निर्भर करता है, और इसका जो कीवर्ड है यानी जो मूल शब्द है वो है जातीय भाषा। कौन सी भाषा की बात हो रही है? जातीय भाषा यानी जो जाति से संबंधित है। तो इसमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो जाति से संबंधित है? प्राकृत जाति से संबंधित नहीं है, अपभ्रंश जाति से संबंधित नहीं है, संस्कृत जाति से संबंधित नहीं है। अब बची बंगला, तो बंगला भाषा कौन सी है जो बंगाली लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो जातीय भाषा कौन सी है? बंगला, यानी बी विकल्प यहां सही उत्तर है, क्योंकि बंगला भाषा को जातीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि शेष भाषाएं जातीय भाषाएं हैं ही नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 12वां प्रश्न, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ये प्रश्न बिल्कुल सरल है और आपको इसको कंठस्थ कर लीजिए कि अपभ्रंश में 8 स्वर थे। और जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो उसमें स्वरों के अलावा 4 संयुक्त स्वरों ए, ओ, आई और औ की भी बात की जाती थी, जो कालांतर में पाली और प्राकृत में आकर के लुप्त हो गए। आई और औ का प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो गया और कुछ स्थानों पर तो उनका भाषा के कुछ रूपों में उनका प्रयोग आई और औ के स्थान पर आई और औ के रूप में भी किया जाने लगा। तो अब बात आती है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, तो अपभ्रंश में स्वर हैं 8 और बाद में इनमें 2 स्वर और जुड़ गए जिनकी चर्चा हमने पिछले सत्र में भी की थी और वो थे आई और औ। तो आपको इस प्रश्न को सही तरीके से समझ लेना है कि अपभ्रंश में केवल और केवल 8 स्वर थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ये प्रश्न यूजीसी नेट जून 2012 में पूछा गया और ऑप्शंस हैं आपके मध्य प्रदेश, ए बी बिहार, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। अब आपको जिस भाषा के बारे में सबसे ज्यादा पता है, जिसके क्षेत्र के बारे में, वहीं से बात को शुरू करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ की भाषा तो है छत्तीसगढ़ी, राजस्थान की भाषा है राजस्थानी और मध्य प्रदेश की भाषा है बघेली, बची कौन सी? बिहार। बिहार की भाषा है, आपको ध्यान होगा, मगही, मैथिली और भोजपुरी, 3 बिहारी हिंदी वर्ग की भाषाएं मानी जाती हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो उत्तर होगा बिहार की बोली है, क्योंकि बिहार की 3 प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो बी उत्तर यहां पर सही है। 14वें प्रश्न पर आते हैं, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? उत्तरकालीन अवस्था पर कई बार चर्चा हो चुकी है, तो उत्तरकालीन अवस्था, उत्तर का मतलब है, वैसे प्रश्न का उत्तर भी होता है लेकिन उत्तर का मतलब है बाद, क्योंकि उत्तर भी यानी किसी प्रश्न का जवाब भी प्रश्न पूछने के बाद ही किया जाता है, तो उस बात को यूं भी समझ लेंगे। तो इसलिए उत्तर का अर्थ है बाद की अवस्था। तो अपभ्रंश की बाद की अवस्था क्या है? क्या पाली बाद की अवस्था है? नहीं। क्यों? क्योंकि पाली तो लौकिक संस्कृत के बाद विकसित हुई, प्राकृत पाली के बाद विकसित हुई, संस्कृत पाली से भी पहले की अवस्था है, तो ऐसी स्थिति में अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था हुई अवहट्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुछ विद्वान उत्तरकालीन अपभ्रंश को, जिसे गुलेरी जी क्या कहते हैं, पुरानी हिंदी कहकर पुकारते हैं, उसे कुछ विद्वान अवहट्ट कहकर के पुकारते हैं, और इस बात की चर्चा स्वयं विद्यापति ने भी की है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पिछले सत्र में हमने हल किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, 15वां प्रश्न, अब देखिए स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आ गए हैं, बहुत सोच समझ करके हमें इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब स्थापना क्या है, यानी जो बात स्वीकार कर ली गई है वो स्थापना है, और उसकी स्वीकृति के विषय में जो तर्क दिया गया है वो तर्क है। यानी अब हमको क्या पहचानना है कि जो कथन कहा जा रहा है स्थापना के रूप में, स्वीकृति के रूप में, ये तर्क उससे संबंधित है या नहीं है। अगर नहीं है तो तर्क गलत है, अगर स्थापना ही गलत है तो स्थापना को हम गलत कहेंगे, तो हमें इस बात पर ध्यान देना है। अब देखना यह है कि इस प्रश्न में स्थापना क्या है,
देखिए स्थापना है मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। बिल्कुल सही है स्थापना, क्योंकि मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से एक है। अब इसकी पुष्टि के लिए तर्क किया दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है इसमें शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तर्क मैथिली के संविधान की 8वीं अनुसूची में होने की स्थिति को पुष्ट नहीं करता, बल्कि एक अलग ही स्टेटमेंट दे रहा है, एक अलग ही वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ए तो सही है, क्योंकि मैथिली सचमुच संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो उसे से तो हम इनकार नहीं कर सकते, उसे हम गलत नहीं बता सकते। लेकिन ये तर्क इस कथन को पुष्ट नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या होगा, ए सही है और तर्क आर गलत है। तो ए गलत, ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ए गलत आर गलत दोनों गलत है, नहीं ये भी गलत है, ए सही आर सही दोनों सही है, नहीं ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन क्या है, ए सही है और आर गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, यानी स्थापना सही है, लेकिन उस स्थापना की पुष्टि के लिए जो तर्क दिया गया है वो गलत है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ये जितने भी नाम हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हिंदी से जुड़े हुए रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद। और दोस्तों ये याद रखिए कि ये प्रश्न भी यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दोनों ही वो विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इनके बारे में एक बात जो खास तौर पर आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हिंदी में एक दौर में आकर के एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे हम हिंदी उर्दू विवाद के नाम से जानते हैं। आईएएस में इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो वो जो हिंदी उर्दू विवाद था उसके मूल में ये दो विद्वान थे। राजा लक्ष्मण सिंह उस हिंदी के रूप के समर्थक थे जिसमें संस्कृत के शब्दों का यानी तत्सम शब्दों का प्रधानता हो, प्रमुखता हो, तत्सम शब्द प्रधान हो, ऐसी हिंदी के समर्थक थे राजा लक्ष्मण सिंह। लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक थे, और यही इन दोनों विद्वानों की हिंदी साहित्य में पहचान का कारण है। और भी बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ भी लिखे, पत्रों का संपादन भी किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है वो ये है कि राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक, तत्सम प्रधान हिंदी के समर्थक, और शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू प्रधान हिंदी के समर्थक थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राम प्रसाद निरंजनी कौन है? राम प्रसाद निरंजनी वो हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भाषा योग वासिष्ठ, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे खड़ी बोली की पहली रचना माना है। क्यों? क्योंकि इसमें परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्यतः ये माना जाता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो कवि गंग के द्वारा लिखी गई कृति है वो हिंदी की खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना है। लेकिन शुक्ल जी इस बात को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसमें परिष्कृत हिंदी का प्रयोग नहीं है, परिष्कृत भाषा का प्रयोग भाषा योग वासिष्ठ में है जो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई। तो इसलिए इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है। ये बात भी याद रखनी है कि हिंदी की कृति, शुक्ल जी का मत भी याद रखना है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में शुक्ल जी के मत से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब आइए सी ऑप्शन पर, जुगल किशोर और बाल मुकुंद गुप्त। जुगल किशोर, इनका नाम कई बार कई स्थानों पर आपको युगल किशोर भी मिलेगा। ये कौन सी शख्सियत है? ये शख्सियत वो हैं बच्चों जो सबसे पहला हिंदी का समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था उदंत मार्तंड। में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और उसे प्रकाशित करने वाले थे जुगल किशोर या युगल किशोर। तो इनके योगदान हिंदी से जुड़ा हुआ इस प्रकार इस रूप में आपको याद रखना है, क्योंकि पहला हिंदी का समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया गया।
बाल मुकुंद गुप्त हिंदी के बहुत बड़े विद्वान और एक अच्छे बहुत अच्छे पत्रकार, जिन्होंने कलकत्ता से भारत मित्र नामक पत्र का संपादन किया, जिनकी प्रसिद्ध कृति शिव शंभु के चिट्ठे बहुत ही चर्चा में रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ इनके तर्क वितर्क बहुत चलते रहते थे। तो इस दो चीजों से की दृष्टि से बाल मुकुंद गुप्त को आपको याद में रखना है, कौन सा, एक तो भारत मित्र के संपादक थे, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, और दूसरी बात इनकी प्रसिद्ध पुस्तक शिव शंभु के चिट्ठे है जो काफी लोकप्रिय और काफी चर्चित कृति है। अब बात आती है लल्लू लाल और सदल मिश्र की। खड़ी बोली को एक रूप में स्थापित करने वाले विद्वानों में से लल्लू लाल और सदल मिश्र का उल्लेखनीय योगदान है, इनका प्रमुख नाम है। और ये दोनों विद्वान किससे संबंधित थे? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में ये दोनों विद्वान अध्यापकों के रूप में नियुक्त थे। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, क्योंकि प्रोफेसर गिल क्राइस्ट ने इन्हें हिंदी में पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे बखूबी निभाया शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। और शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त भी थे, तो उस दृष्टि से भी इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इस प्रश्न के उत्तर की दृष्टि से डी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ जितने भी विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों का कहीं ना कहीं हिंदी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आगरा का बोली क्षेत्र है, प्रश्न बहुत सरल, बहुत देर बाद एक सरल प्रश्न आया है, तो थोड़ा खुश हो जाइए। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया, और ऑप्शंस हैं अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, अवधी तो बनारस कानपुर की तरफ की उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है, खड़ी बोली मेरठ और बिजनौर और इस आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की भाषा है, बची क्या, ब्रज, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, इन सब क्षेत्रों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। तो आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा होगा? सी विकल्प बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा आगरा का बोली क्षेत्र है। आगे चलें, 18वें प्रश्न पर आते हैं। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अब यहां पर तीन मत प्रस्तुत किए गए हैं और हमें छांटना यह है कि इन तीन मत में से कौन से सही हैं और कौन से गलत, और ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में। तो सबसे पहला कथन है, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को अपना प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित किया, यानी प्रमुख अपने लक्ष्यों में प्रमुख रखा, कार्य सूची में प्रमुख स्थान पर रखा। दूसरा है, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, यानी खड़ी बोली में उन्होंने शिक्षा दी, इससे बहुत सारी नई नई साहित्यिक विधाएं विकसित हुई। तीसरा है, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, खड़ी बोली बोलचाल की भाषा के रूप में स्थान बना चुकी थी, लेकिन अब उसके विकास के लिए आवश्यकता क्या थी, साहित्यिक लेखन की आवश्यकता थी, ये इस तीसरे कथन में कहा गया है। अब देखना यह है कि क्या ये तीनों कथन सही हैं, या इनमें से कोई एक सही है या दो सही हैं। तो ऑप्शंस पर देखते हैं, ए ऑप्शन है, ए और बी सही, ए और बी सही, सी गलत, जबकि सी भी सही है, क्योंकि खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन के युग की आवश्यकता थी, लेकिन ये कथन बिल्कुल गलत है। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से, यानी खड़ी बोली में पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने से विभिन्न विधाओं का साहित्यिक विकास नहीं हुआ खड़ी बोली का, खड़ी बोली का साहित्यिक विकास तो कालांतर में अपनी गति से हुआ, तो इसलिए ये कथन पूरी तरह से गलत है। ये कथन बिल्कुल सही है कि खड़ी बोली के विकास को अंग्रेजों ने प्राथमिकता दी। अब अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था खड़ी बोली को प्राथमिकता देने की दृष्टि से, क्योंकि उन्हें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिसमें वो भारतवासियों के साथ विचार विनिमय कर सकें, विचारों का आदान प्रदान कर सकें, ताकि भारत में उनके शासन को एक मजबूत आधार मिले। उनका ये बिल्कुल कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो भारत का, भारत की भाषा का, भारत की साहित्य का विकास करना चाहते थे, बल्कि उनका उद्देश्य इस
बात के मूल में यही था कि वो अपने शासन को भारत में स्थायित्व देना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जिसमें वो भारतवासियों से बातचीत कर सके। इसलिए उन्होंने खड़ी बोली के विकास को जरिया बनाया, क्योंकि पहले से उर्दू और फारसी जैसी भाषाएं हमारे यहाँ मुगल काल से चली आ रही थी, तो ऐसी भाषा खड़ी बोली विकसित हुई जिसमें संस्कृत के भी शब्द हों और भी अंग्रेजी के और भी कई भाषाओं के शब्द हों और उसके साथ साथ उसमें उर्दू के भी शब्द हों, यानी एक मिलीजुली भाषा उन्होंने विकसित की जिसे सभी प्रांतों के लोग, यहाँ तक कि वे स्वयं भी अच्छी तरह से समझ सके। तीसरे वक्तव्य पर आते हैं, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी बोली जब विचार विनिमय का प्रमुख माध्यम बन जाती है तो उसकी अगली सीढ़ी क्या है, क्योंकि विकास तो प्रकृति का नियम है दोस्तों, तो जब विकास की अगली सीढ़ी पर जाना होगा, विचार विनिमय का माध्यम बन गई, प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया एक लोक बोली के रूप में, तो उसका अगला पड़ाव है कि उसे साहित्यिक रूप में अपने आप को स्थापित करना है, तो ये कथन भी पूरी तरह से सही है। अब देखते हैं ए और सी सही और बी गलत, तो कहाँ किस विकल्प में आ रहा है। ए और बी सही, सी गलत, ए और सी सही, बी गलत, ये यानी बी उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी और सी सही, ए गलत, सी सही, ए और बी गलत, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प, बी विकल्प को हम चुनेंगे। 19वां प्रश्न, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में, और ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। ये भी कुछ उसी तरह का प्रश्न है जिसमें हमने एक स्थापना की थी, अभी एक प्रश्न पहले देखा था हमने जिसमें एक स्थापना की गई थी और उसके विषय में तर्क दिया गया था। हमें अब इसकी जांच ये करनी है कि भले ही ये कथन स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या ये सत्य है, इसकी सत्यता की जाँच हमको करनी है। तो ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रज भाषा में जब भी कभी कोई रचना होती है तो उसे आसानी से गाया जा सकता है, लेकिन हमेशा गीतात्मकता नहीं आती, तो ये कथन कुछ सही है कुछ गलत है, क्योंकि इस कथन में ये ध्वनित हो रहा है, ये स्पष्ट हमारे सामने उभर कर अर्थ आ रहा है कि हमेशा गीतात्मकता होती है, लेकिन ब्रज भाषा में हमेशा गीतात्मकता नहीं होती, यानी ये कथन आंशिक रूप से कुछ सही है। और ब्रज भाषा में परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर, कानों को सुनने में जो कड़वे लगे, जो चुभे कानों में, कर्ण कटु, कानों को चुभने वाले, कानों को कड़वे लगने वाले जो वर्ण होते हैं, कठोर वर्ण होते हैं, उनका ब्रज भाषा में अभाव है, क्योंकि ब्रज भाषा एक कोमल भाषा है, कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाली भाषा है, इसलिए ये कथन पूरी तरह से सही है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प हमारे हिसाब से यहाँ सही है। ए और बी दोनों सही हैं, गलत। ए आंशिक सही है, बी सही है, बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। ए और बी दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। ए सही, बी आंशिक रूप से सही, ए आंशिक सही, बी सही, और यहां पर ए को पूरी तरह सही माना जा रहा है और बी को आंशिक रूप से सही माना जा रहा है, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का जो कथन है वो आंशिक रूप से सही है और बी पूरी तरह से सही कथन है। आगे चलते हैं, 20वें प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। यूजीसी नेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों पहले तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने जितनी भी भाषाएं हैं भारत में उनको 5 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें से 4 नाम यहां पर दिए गए हैं और एक और वर्ग है जिसका नाम है दाक्षिणात्य वर्ग। अब अगर आपको इन शब्दों के सही मतलब पता होंगे तो आप समझ जाएंगे कि पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो देखिए, उदीच्य का मतलब होता है उत्तर, आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि इसी से मिलता जुलता वर्गीकरण अन्य विद्वानों ने भी किया है। धीरेंद्र वर्मा का वर्गीकरण जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है। प्रतीच्य का मतलब है पश्चिम, मध्यदेशी है तो आप समझ ही गए हैं, प्राच्य का मतलब है पूर्व और दाक्षिणात्य का मतलब है दक्षिण, यानी दक्षिण की जो भाषाएं हैं वो दाक्षिणात्य वर्ग में आएंगी।
उत्तर की जो भाषाएं हैं लहदा, पंजाबी, सिंधी, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर हुई वो उत्तरी में आएंगी, पश्चिम में आएंगी राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी क्षेत्र की भाषाएं हैं, मध्य देशी, मध्य में आएंगी खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज वगैरह, और प्राच्य पूर्वी हिंदी की बोलियां प्राच्य में आएंगी, क्योंकि पूर्व का क्षेत्र ये है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है, पूर्वी हिंदी की बोलियां किस वर्ग में आती हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आप इनके अर्थ कंठस्थ कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, इस तरह के किसी भी प्रश्न में आप कभी गलती नहीं करेंगे। 21वां प्रश्न, डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, यूजीसी नेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन है 13 स्वर 38 व्यंजन, यानी कुल 51 वर्ण माने हैं धीरेंद्र वर्मा ने। बी है 12 स्वर 34 व्यंजन, यानी कुल 46 वर्ण माने हैं धीरेंद्र वर्मा ने। 15 स्वर 41 व्यंजन, यानी 56 वर्ण माने हैं। डी विकल्प है 14 स्वर और 36 व्यंजन, यानी 50 वर्ण माने हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के विषय में एक खास बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि धीरेंद्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो मानी है वो विकल्प यहाँ है ही नहीं। अब वो विकल्प क्या है, हिंदी भाषा का इतिहास जो डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की पुस्तक, जिसको हमने अपने सारे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के क्रम में आधार के रूप में ग्रहण किया था, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि 51 वर्ण उन्होंने वैदिक ध्वनियों में माने हैं। उनके वर्णों की संख्या है 52 और यहाँ 38 की जगह पर है 39। लेकिन जितनी भी पुस्तकें पिछले वर्ष के यूजीसी नेट के प्रश्न पत्रों से संबंधित मिली, उनमें प्रश्न इसी रूप में मुझे मिला, तो मैं जरूरी समझती हूँ कि हम इस बात की चर्चा यहाँ पर करें कि वास्तव में डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, और इसके लिए आप डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा का हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक देख सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि अब 52 का विकल्प ही नहीं है, तो हमने एक तकनीक ये भी अपना रखी है कि जो निकटतम उत्तर हो वही सही उत्तर है। अगर 52 का विकल्प होता, हम इस प्रश्न को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, अगर 52 का विकल्प होता तो हम 52 चुनते, लेकिन 52 का विकल्प है ही नहीं, तो निकटतम विकल्प क्या है, 51। तो ऐसी स्थिति में हम इस ए विकल्प को सही मानेंगे। तो ऐसी विकट परिस्थिति में अगर आप फंस जाएं, जबकि उत्तर कुछ और है और विकल्पों में वो उत्तर आ ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको निकटतम उत्तर की तलाश करनी होगी। इस स्ट्रैटेजी को, इस तकनीक को, इस नीति को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प, लेकिन स्मृति में आपको रखना है कि 13 स्वरों की बात की है धीरेंद्र वर्मा ने वैदिक संस्कृत में और वैदिक ध्वनियों में, और 39 व्यंजन कहे हैं, यहां पर 38 व्यंजन दिए गए हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न है, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थानों का सही अनुक्रम कौन सा है, और यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट जून 2013 में। हमारे ऑप्शंस हैं काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और साहित्य अकादमी। तो ये सब जितने भी विकल्प दिए गए हैं, उन सभी विकल्पों में इन्हें, इन संस्थानों को जो हिंदी के विकास की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें अलग अलग क्रम में दिया है। हमें स्थापना वर्ष के आधार पर इन्हें क्रम से लगाना है, तो हमारा सबसे सही विकल्प होगा जो क्रम से जिसमें आएंगे। तो सबसे पहले काशी नागरी प्रचारिणी सभा की बात करते हैं, तो 1893 में काशी में, यानी 1893 में काशी में इसकी स्थापना हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसके विषय में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसके नाम के आगे प्रयाग शब्द बिल्कुल जुड़ा हुआ है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसकी सारी गतिविधियां प्रयाग में स्थानांतरित होने के बाद बहुत तेजी से हमारे सामने आई। ये मूलतः हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में बनारस में स्थापित हुआ था, 1911 में इसे प्रयाग में स्थापित किया गया, और उसके बाद से ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबंधित, उसकी स्थापना से संबंधित कभी भी कोई प्रश्न आता है
और उसमें उसका मूल स्थापना का वर्ष पूछा जाता है, और 1910 और 1911 दोनों हैं, और प्रयाग में स्थापना हुई थी इस बात के बारे में प्रश्न है, तो हम 1911 पर निशान लगाएंगे, उसे चुनेंगे, और अगर ये 1911 विकल्प ही नहीं है तो हम 1910 के विकल्प को चुनेंगे जो कि बनारस में जब इसकी स्थापना हुई थी। और बाकी आगे का राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसकी स्थापना 1936 में हुई, और साहित्य अकादमी दिल्ली, इसकी स्थापना 1954 में हुई। तो इस प्रकार ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सभी को स्थापना वर्षों के आधार पर, स्थापना के आधार पर सही अनुक्रम में रखा गया है। शेष किसी भी विकल्प में ये क्रम हमें दिखाई नहीं देता। हम देख सकते हैं कि बी विकल्प में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग पहले आ रहा है, फिर सी विकल्प में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा पहले आ रही है, नागरी प्रचारिणी तीसरे नंबर पर है, और डी विकल्प में साहित्य अकादमी पहले आ रही है, जो उसकी स्थापना सबसे बाद में यानी 1954 में हुई। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारा सही उत्तर है। इन सभी संस्थाओं की चर्चा हमने अपनी भाषा के विविध रूप वाले सत्र में विस्तार से की थी, तो आप इन संस्थानों के योगदान, इनके स्वरूप और इनके स्थापना वर्षों को कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 23वें प्रश्न पर बात करते हैं, सिंधी भाषा का विकास अभ्रंश की किस बोली से माना गया। बहुत ही सरल सवाल है, यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया, ब्राचर से, पैशाची से, मागदी से और अर्धमागदी से। तो हमने कई बार बच्चों चर्चा की है, पिछले सत्र में भी चर्चा की थी, अभी भी एक प्रश्न के दौरान चर्चा हुई कि ब्राचर से सिंधी भाषा विकसित हुई, तो ए विकल्प यहाँ सही उत्तर है। और अभी हमने ये भी चर्चा की कि पंजाबी और लहंदा भाषाएं जो थी वो पैशाची से विकसित हुई, मागदी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाएं विकसित हुई, और अर्ध मागदी से पूर्वी हिंदी की बोलियां विकसित हुई, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आपको इस तरीके से इस क्रम को याद रखना है, तो यानी इसका विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। 24वां प्रश्न, अवधी का विकास किस अभ्रंश से हुआ। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत मैं नहीं समझती। यूजीसी नेट जून 2014 में यह प्रश्न पूछा गया, पहला विकल्प महाराष्ट्री, दूसरा है शौरसेनी, तीसरा है अर्धमागधी और चौथा है मागधी, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है और उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म अर्धमागधी अभ्रंश से हुआ है। आगे चले, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इस क्रम को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। यूजीसी नेट जून 2014 में ये प्रश्न भी पूछा गया, पाली, संस्कृत, हिंदी और अवहट्ठ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखें तो सबसे पहले एक नंबर पर आता है संस्कृत, दूसरे नंबर पर आता है पाली, तीसरे नंबर पर आती है अवहट्ठ और चौथे नंबर पर आती है हिंदी। तो इस दृष्टि से, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या हुई, पाली हुई, क्योंकि पाली के बाद ही प्राकृत का विकास हुआ। ठीक, आगे चलते हैं, 26वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। बहुत ही सरल और तथ्यात्मक प्रश्न है, जून 2014 में पूछा गया और 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ। प्रोफेसर गिलक्राइस्ट वहां के हिंदी विभाग के सबसे पहले प्रोफेसर थे, और लल्लू लाल और सदल मिश्र वहां अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए गए थे। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में ये कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ। इतनी जानकारी आपको इस कॉलेज के विषय में अच्छी तरह से रखनी है। आगे चले, अगले प्रश्न पर आते हैं, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। देखिए, परिवारों पर भी प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा के विषय में प्रश्न आ गया, भारोपीय का पहले भी आ चुका और अब भी आ रहा है। केल्टिक, इटालिक, जर्मेनिक कर लीजिए इसको, और सीओएन। अब दोस्तों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इस प्रश्न को आप समझ लें। देखिए, सबसे पहली बात, जब हमने भाषा परिवारों पर बात की थी, उस समय हमने विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा परिवार पढ़ा था, भारोपीय परिवार। और भारोपीय परिवार की दो शाखाएं हुई थी, सतम और केंतुम। जो सतम थी, इससे भारत ईरानी जो भाषाएं हैं इनका विकास हुआ,
और कालांतर में आर्य भाषाएं यहीं से निकली भारत की। और ये जो केंतुम है इससे केल्टिक, इटालिक, इटालिक यानी लैटिन, लैटिन भाषा से इटालिक भाषा विकसित हुई और जर्मेनिक यानी जर्मनी की भाषा विकसित हुई। अब ये सियोयन भाषा क्या है इस पर हमें चर्चा करनी है। सियोयन भाषा आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, अंग्रेजी में इसका उच्चारण इस तरीके से होगा, सुअन भाषा, और इसकी स्पेलिंग है एस आई ओ यू, इसका उच्चारण क्या है, सुअन भाषा। अब ये जो भाषा है, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, अब ये जो भाषा है ये कहां की भाषा है दोस्तों? ये सही विकल्प है क्योंकि ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ये तीनों भाषाएं भारोपीय परिवार की केंतुम शाखा की भाषाएं हैं। अब ये भाषा है उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान, विशाल मैदान, ओहियो नामक स्थान और मिसिसिपी नदी का नाम आपने सबने सुना होगा, मिसिसिपी नदी की घाटी। इन क्षेत्रों में और इनके आसपास के क्षेत्रों में ये सुअन भाषा बोली जाती है। और ये सुअन भाषा जिस तरह से भारोपीय भाषा परिवार है उसी तरह से अमेरिका का एक पूरा भाषा परिवार है जिसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जैसे भारोपीय परिवार में बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सही विकल्प कौन सी भाषा नहीं है भारोपीय परिवार की, ये भाषा है सियोयन भाषा। 28वां प्रश्न, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। अब कौन सी भाषा पूर्वी समुदाय की नहीं है? अब पूर्वी समुदाय कौन सा है, जहां पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि प्रांत आते हैं? तो उड़िया तो उड़ीसा की भाषा हो गई, बिहार की बिहारी हो गई, बंगाल की बंगला हो गई। तो ये तो तीनों उसकी हो गई, किसकी, पूर्वी समुदाय की। बची मराठी, मराठी दक्षिण भारत की भाषा है, दक्षिणी यानी महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई। तो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अनुसार पूर्वी समुदाय में नहीं आती, इसलिए बी विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे चले, अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न के विषय में भी मैं आपसे थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है ये कथन है। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा का, लेकिन यहां डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा का नाम नहीं है। तो इसके बाद ये जो नाम आता है ये जॉर्ज ग्रियर्सन का आ रहा है, जो स्पष्ट रूप से हमें इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि धीरेंद्र वर्मा का नाम यहाँ नहीं है और उनकी पुस्तक में स्पष्ट रूप से ये चर्चा की गई है, ये पूरा का पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, तो हम ग्रियर्सन को सही विकल्प के रूप में मानेंगे, क्योंकि तीनों ने इस तरह की कोई और चर्चा की ही नहीं है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन यानी सी विकल्प इसका सही उत्तर है। 30वां प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगड़ू, बघेली, ब्रजभाषा और भोजपुरी। तो देखिए, बांगड़ू हरियाणवी की बोली है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, और पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं, तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रजभाषा, और बिहारी भोजपुरी, बिहारी हिंदी वर्ग की बोली है भोजपुरी। तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, बी विकल्प यहां सही उत्तर है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ? बहुत ही सरल प्रश्न, यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया। गुजराती, पंजाबी, मराठी और सिंधी।
तो आपको ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। ये तो पैशाची अपभ्रंश से हुई, ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई, ये ब्राचर से हुई, तो बची कौन सी? गुजराती, यानी शौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती विकसित हुई। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पिछले सत्र में हमने एक ट्रिक आप लोगों को बताई थी कि किस तरीके से इन प्रश्नों को देखना है, इनको हल करना है, ताकि हमसे कहीं भी कोई गलती ना हो। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि हमें हर विकल्प का उत्तर आता हो। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा स्मार्टली काम भी करना पड़ेगा, थोड़ी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हमने पढ़ा था कि बिजनौर में जो खड़ी बोली का रूप है वो सबसे ज्यादा शुद्ध मिलता है, यानी ए का विकल्प हुआ चौथा। अब इसमें ए का विकल्प चौथा दो जगह पर आ रहा है, बी और सी। तो अब अगले पर आते हैं। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? अभी अभी हमने एक प्रश्न में पढ़ा ब्रजभाषा आगरा की, यानी बी का तीसरा। तो बी का तीसरा भी दो जगह आ रहा है, तो ये तो वैसे ही कट गया, गलत हो गया। अब बचा एक विकल्प, यानी हमें अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? बी विकल्प पर करना है। बांगड़ू कहाँ की भाषा है? हरियाणवी को कहते हैं बांगड़ू। करनाल हरियाणा का क्षेत्र है। तो सी का पांचवा आ गया, तो सी का पांचवा ये सही उत्तर आ रहा है। और अवधि सुल्तानपुर की है, पिछले सत्र में भी इस तरह का एक प्रश्न आया था, तो दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पर दूसरा आ रहा है, यानी बी विकल्प सही उत्तर है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है, यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा गया। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और मगही, ये तीनों भाषाएं पश्चिमी हिंदी की हैं, मगही नहीं है, बिहारी हिंदी वर्ग की बोली है, तो इसलिए डी विकल्प इसका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग यूजीसी नेट जुलाई 2018 में। अब इसके से इस वाक्य से संबंधित प्रश्न आगे विकल्प दिए गए हैं, उनसे सही हमको कौन सा विकल्प है वो देखना है। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए कहाँ कहाँ कौन से विकल्प आ रहे हैं, ए और डी बिल्कुल सही है, तो ये तो विकल्प वैसे ही क्रॉस हो गया। दूसरा है सी और डी सही है, खड़ी बोली का उद्भव ये सही है, लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है ये गलत है, तो ये भी विकल्प गलत गया। ए बी सी सही है, ए बी सी सही है, ये आ गया। और डी है, बी और डी सही है, तो बी और डी बिल्कुल नहीं है, तो यानी सी विकल्प हमारा सही उत्तर है, क्योंकि तीनों विकल्प शुरू के ए बी और सी खड़ी बोली के संबंध में बिल्कुल सही है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? क्या पूछा जा रहा है? यूजीसी नेट जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। नेपाली, मगही, राजस्थानी और गोंडवी, तो इसमें से ये तीनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में नहीं है, नेपाली 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। 36वां प्रश्न, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? जब हमने अनुच्छेदों की चर्चा की थी तो हमने इसकी भी चर्चा की थी, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि डी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 351 अनुच्छेद में ये बात कही गई है। और सामासिक संस्कृति क्या है, पहले तो हमको ये समझ लेना है। समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है वो समास होता है। तो हमारी सामासिक संस्कृति का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियां मिलकर हमारी संस्कृति का निर्माण करती हैं। समय समय पर अनेक संस्कृतियों से हमने प्रभाव ग्रहण किया, तो उस स्थिति में हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन, कि हमारी संस्कृति के जो तत्व हैं उनकी अच्छी तरह से अभिव्यक्ति कर सके हिंदी, उसमें इतनी सामर्थ्य विकसित करनी है, और इस लक्ष्य की चर्चा संविधान की के अनुच्छेद 351 में की गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी और न्यायालयों की सारी चर्चा अनुच्छेद 348 में की गई है। तो ये बिल्कुल सही डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है और ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? देखिए फिर से पश्चिमी हिंदी पर प्रश्न, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों को कंठस्थ कर लीजिए। यूजीसी नेट कितनी बार पूछा गया है? 2011 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, दिसंबर 2019 में पूछा गया। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और मगही। और अभी हमने इसी तरह का एक और प्रश्न हल किया था, तो मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। 39वें प्रश्न पर आते हैं, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म। देखिए लगातार पश्चिमी हिंदी के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया और जून 2020 में भी ये प्रश्न दोहराया गया। कन्नौजी, अवधी, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात की जा रही है, तो हमको वो विकल्प चुनना है दोस्तों जिसमें दोनों ही बोलियां पश्चिमी हिंदी की हो। तो कन्नौजी और अवधी, तो इसमें अवधी पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रज और बघेली, बघेली भी पूर्वी हिंदी की है, ब्रज पश्चिमी हिंदी की है, तो यानी ये विकल्प भी गलत हो गया। छत्तीसगढ़ी, बांगड़ू, इनमें से कोई भी नहीं मानी जाएगी, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की हो गई। और खड़ी बोली और बुंदेली, डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही भाषाएं कैसी हैं? पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 40वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? और ये प्रश्न कब पूछा गया? सेकंड ग्रेड में तो आया ही है कई बार, उसके अलावा दिसंबर 2011, दिसंबर 2015, दिसंबर 2018 और जून 2020 में लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहारी हिंदी वर्ग की मैं कौन सी बोली नहीं आती, यानी बिहारी हिंदी वर्ग के विषय में, उसकी बोलियों के विषय में बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प क्या है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। दोस्तों मैं कई बार चर्चा कर चुकी, हम बार बार इस तरह के प्रश्नों का सामना कर रहे हैं, तो भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों बिहारी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं, केवल और केवल छत्तीसगढ़ी इस वर्ग की नहीं है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। 41वां प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, यूजीसी नेट जून 2020 में पूछा गया। बांगड़ू, बघेली, ब्रजभाषा और भोजपुरी, कौन सी बात पूछी जा रही है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी विकसित हुई थी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है इसमें से? बघेली, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां हिंदी, पूर्वी हिंदी की हैं, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या पूछा गया है? नहीं किया गया है, यूजीसी नेट जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं डोगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया। तो देखिए डोगरी, मैथिली और असमिया तीनों भाषाएं आठवीं अनुसूची में है, केवल ब्रज भाषा एक ऐसी है जिसको आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, यानी सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको क्या करना है अब आपको, क्योंकि बार बार आठवीं अनुसूची की भाषाओं के बारे में प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको आठवीं अनुसूची की भाषाओं को कंठस्थ कर लेना है उनके में कब कौन, क्योंकि मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, इसकी चर्चा हमने की थी, और फिर उसके बाद क्रमशः कैसे कैसे भाषाएं उसमें जुड़ती गई और आज 22 भाषाएं हो गई हैं, उन सभी भाषाओं को आपको कंठस्थ कर लेना है। 43वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? यूजीसी नेट जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न तो बहुत आसान है, पिछले सत्र में भी ये कई बार आया था। सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि 343 में ये घोषित किया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहां पर कवियों के नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि इन सबके आगे कवि लिखा हुआ है, हाड़ौती कवि, बघेली कवि, गढ़वाली कवि और कन्नौजी कवि, उस तरीके से आपको कल्पना करनी है, भ्रमित बिल्कुल नहीं हो रहा है होना है, क्योंकि हमारा काम परीक्षा के कक्ष में बैठ करके
सही उत्तर देना है, उन प्रश्नों के तरीके पर, उनके पूछने के तरीके पर विचार करने में समय बर्बाद नहीं करना है। तो हाड़ौती कहाँ की है? राजस्थान की। ए का तीसरा विकल्प कहाँ आ रहा है? तीसरा विकल्प आ रहा है बी और सी, दो जगह। आगे चलेंगे। बघेली कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। बी का चौथा विकल्प कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, तो ये तो गड़त नहीं। बी का चौथा विकल्प आ रहा है दो जगह, ये भी बी का चौथा विकल्प, बी और सी दोनों में। अब तीसरा गढ़वाली, गढ़वाली है उत्तराखंड की, यानी सी का पहला विकल्प कहाँ आ रहा है? इस जगह, यानी ये सी ऑप्शन हमें सही लग रहा है। और कंफर्म करते हैं, कन्नौजी उत्तर प्रदेश, कन्नौजी, कन्नौज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, कानपुर और उसके आसपास का क्षेत्र पुराने समय में कन्नौज कहलाता था। तो इसका चौथे विकल्प का यानी डी विकल्प का दूसरा उत्तर कहाँ आ रहा है? दूसरा उत्तर यहाँ आ रहा है, यानी सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। 45वां प्रश्न, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? यूजीसी नेट जून 2020 में ये पूछा गया, ब्रज भाषा के कहाँ बोली जाती है। ये प्रश्न भी कई बार आ गया है, बस विकल्प अलग अलग होते हैं। इलाहाबाद में बोली जाती है, इलाहाबाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प तो गलत हो गया। ओरछा एवं झांसी ये भी पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में आते हैं। मथुरा, वृंदावन और वाराणसी, मैंने आपको बताया वाराणसी, बनारस, ये सब पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, ये भी गलत। तो सही ब्रजभूमि कृष्ण से जुड़ी हुई है, भगवान कृष्ण जहाँ थे वही ब्रजभूमि थी, और मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण थे। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में रखना है कि सी विकल्प हमारा सही उत्तर है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? अब खड़ी बोली बोली जाती है कहाँ, इस पर भी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। यूजीसी नेट जून 2020 में पूछा गया, झांसी, कानपुर, मेरठ और अलीगढ़। तो मेरठ खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, और हमने अभी अभी एक प्रश्न में पढ़ा था कि सबसे शुद्ध खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है सबसे शुद्ध रूप में? बिजनौर में बोली जाती है। तो आपको यहाँ पर, क्योंकि बिजनौर ऑप्शन नहीं है, तो मेरठ को ही चुनना है। सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का 13वां सत्र, प्रश्नों के गुलदस्ते का सत्र। उम्मीद करती हूँ कि सारे प्रश्न आपको बहुत उपयोगी लगे होंगे, और उसका जो विश्लेषण किया गया उससे आपके लिए ये प्रश्न समझना बहुत आसान हो गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तो आगे के सत्रों में हम अब बात करेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में लगी हुई रचनाओं पर, प्रस्तावित रचनाओं पर। तो शुरुआत करेंगे हम, तो जुड़े रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। अपने मन को भटकने मत दीजिए, क्योंकि बहुत कठिन समय है और बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।